हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कंपैरिजन टेस्ट। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन टेस्ट की सिर्फ स्टेटमेंट देखेंगे और इसके मदद से हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे अभी। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या है, कि लेट लेट यूएन समेशन यूएन वी एन बी टू सीरीज लेट समेशन यू एन एंड समेशन वी एन बी टू सीरीज ऑफ बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड देयर is and there is a natural number m such that un less than kvn or lesser equals to kvn for all n greater equals to m, k being a fixed positive number, positive number, then first un is convergent if vn is convergent, second vn is divergent if un is डाइवर्जेंट। ओके, सो ये है स्टेटमेंट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं कि दो यहाँ पर दो सीरीज यहाँ पर जो है दिया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, यहाँ पर जो लिखा हुआ है पॉजिटिव रियल नंबर्स। सो सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या है? ये कुछ ऐसा है कि एक सीरीज जहाँ पर कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है। सपोज ये मैंने एक सीरीज यहाँ पर लिख रहा हूँ, वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर। तो इसको हम कह सकते हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेकिन सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स जो नहीं है, ऐसा एक एग्जाम्पल ये है कि वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर। सपोज ये एक हो सकता है कि अगर वहाँ पर कोई भी नेगेटिव इन्वॉल्व है तो उसको हम पॉजिटिव रियल नंबर्स नहीं कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, कि जिसका एक और एक मतलब है कि जिसका हम अगर सम करते जाएंगे तो वो इंक्रीज होता जाएगा। सपोज आपने ये दो सम अगर कर लिया है तो इसका जो वैल्यू है, अगर हम इस तीन एलिमेंट का सम करेंगे तो उससे ज़्यादा होगा, चार एलिमेंट का सम करेंगे तो उससे ज़्यादा होगा। लेकिन इस केस में आप देखो, अब अगर इतना तक सम करते हो तो जो इसका वैल्यू है यहाँ पर वो इंक्रीज होता है, और यहाँ पर फिर से क्योंकि नेगेटिव है तो वो फिर से डिक्रीज करता है। तो इससे पॉजिटिव रियल नंबर्स, सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हम नहीं कह सकते। तो ये एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव रियल सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ऐसा दो आपने हमने अगर सीरीज हम लेंगे और अगर वो कुछ ऐसे रिलेशन में, अगर उन दोनों में कुछ ऐसा रिलेशन हो, यूएन जो यूएन छोटा है और वीएन कोई एक के इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए ये ज़्यादा बड़ा है। सपोज इसको ऐसे समझते हैं कि वीएन छोटा है और के वीएन जो है बड़ा है। तो अब देखो एक चीज़ अब देखो, क्योंकि अगर छोटा जो है वही अगर डाइवर्ज करता है, क्योंकि रिलेशन यहाँ पर कुछ ऐसा है कि, तो ये आपको यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसे कुछ रिलेशन हो। तो अब ये है मेन स्टेटमेंट कि अगर इवन कन्वर्जेंट होगा,
अगर इवन तब कन्वर्जेंट होगा अगर वी एन कन्वर्जेंट हो, और वी एन तब डाइवर्जेंट होगा अगर यू एन डाइवर्जेंट हो। तो अब इसको देखो कि ये छोटा है और ये बड़ा है, ऐसे इसे समझते हैं। तो अगर छोटा ही डाइवर्ज करेगा, ये अगर डाइवर्ज करेगा, इन्फिनिटी में डाइवर्ज करता है, तो सपोज ये अगर डाइवर्ज करेगा तो इससे जो जो बड़ा है के वी एन, तो वो भी क्या करेगा, ये भी डाइवर्ज करेगा। तो इसीलिए जो छोटा है अगर वो डाइवर्ज करेगा, इफ यू एन इज डाइवर्जेंट देन वी एन इज डाइवर्जेंट। सिमिलरली अगर देखो यहाँ पर कि यू एन लेस देन लेसर इक्वल्स टू के वी एन, अगर यही कन्वर्ज करता है कोई पॉइंट पर, सपोज एक पॉइंट पी पर अगर ये कन्वर्ज करेगा, तो उससे जो छोटा होगा वो भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो यही है, इसको ही समझना है ऐसे कि जो छोटा है वो अगर डाइवर्ज करेगा तो इससे ज्यादा जो है वो भी, इससे भी ज्यादा बड़ा है वो, तो वो भी डाइवर्ज करेगा। और अगर बड़ा जो है वो अगर कन्वर्ज करेगा तो उससे जो छोटा है यू एन वो भी कन्वर्ज करेगा। तो ये कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट है। अब इसका इसका जो एक लिमिट फॉर्म है, हम उस लिमिट फॉर्म को देखेंगे और इसके बाद हम जो एक क्वेश्चन करेंगे लिमिट फॉर्म। अब इसका स्टेटमेंट आप देख लो, उसके बाद ही हम जो है क्वेश्चन में जाएंगे। तो यहाँ पर लिमिट फॉर्म दिया हुआ है ऐसे कि लेट यू एन समेशन यू एन एंड समेशन वी एन बी टू सीरीज, लेट यू एन एंड वी एन समेशन यू एन एंड समेशन वी एन बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड लिमिट यू एन बाई वी एन इक्वल्स टू एल, वेयर एल इज ए नॉन जीरो, जीरो नहीं है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर। ओके, तो यू एन एक सीरीज है, वी एन एक सीरीज है, अगर इनका जो डिफरेंस है वहां पर अगर हम लिमिट देंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो अगर एक नंबर आया फाइनाइट नंबर जो कि नॉन जीरो है, तो क्या होगा, देन द टू सीरीज यू एन एंड वी एन कॉन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। तो अगर इनका डिफरेंस जो एल है वो अगर नॉन जीरो हुआ, और एक फाइनाइट नंबर मतलब जीरो को छोड़कर, नॉट इक्वल्स टू जीरो, कोई भी फाइनाइट नंबर हुआ, देन ये जो दो सीरीज है वो दो सीरीज क्या होगा, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। तो किसी एक का कन्वर्जेंट देखकर, कन्वर्जेंस देखकर हम दूसरे का कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस का पता लगा सकते हैं कि सपोज यू एन अगर कन्वर्ज करेगा तो हम कह पाएंगे कि वी एन भी कन्वर्ज करता है, और अगर कोई भी एक को अगर यू एन डाइवर्ज करेगा तो वी एन भी डाइवर्ज करेगा, या फिर इसका उल्टा, वी एन अगर कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा अगर, तो यू एन भी उस तरीके से कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है जो है 1 + 2/2³ + 1 + 2 + 3/3³ + 1 + 2 + 3 + 4/4³ एंड सो ऑन। तो इसका हम करते हैं अभी, तो लेट समेशन यू एन बी द गिवेन सीरीज,
ओके देन यूएन, यूएन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, देन यूएन इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर ऊपर में क्या है, 1 प्लस 2, मतलब जब हम एन का वैल्यू 1 देते हैं यूएन का तो हमें मिलता है 1 प्लस 2 ऊपर में, तो मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे करते करते ये जाता है n+1 तक, n+1। और नीचे क्या है, अगर यहाँ पर n का वैल्यू 1 है तो ये 2 क्यूब है, मतलब n+1 का होल क्यूब। आप थोड़ा सा इसको देख लो कि अगर सेकेंड टर्म है मतलब 1, 2, 3 तक इस ये ऊपर में जाएगा और नीचे 3 का क्यूब है, अगर थर्ड टर्म है सीरीज का सो यहाँ पर 4th तक और 4 क्यूब, सो n वाला जो टर्म होगा वो n+1 तक ऊपर में जाएगा और नीचे n+1 का क्यूब। अब एक चीज़ यहाँ पर आप देखो कि हमें ये वाला फॉर्मूला पता है 1+2+3+n तक, इसकी जो सम होता है इसका वैल्यू होता है n(n+1)/2। तो यहाँ पर है n+1 तक, मतलब 1+2+3+n+1 तक कि अगर इसकी समेशन जो होता है इसका वैल्यू क्या होगा, n+1 n+2/2। ओके तो ये जो ऊपर में दिया हुआ जो चीज़ है उसका वैल्यू है ये n+1 n+2/2। तो इसको हम लिख सकते हैं n+1 n+2 और नीचे 2, और ये वाला चीज़ यहाँ पर है तो n+1 की क्यूब। तो ये n+1 और यहाँ पर 3 n+1 है, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, सो इसको हम लिख सकते हैं n+2 n+2, ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, 2 n+1 का होल स्क्वायर। सो ये फाइनल चीज़ यहाँ पर आ गया है। अब आप देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, क्योंकि अभी हमने देखा लिमिट फॉर्म और कंपैरिजन टेस्ट, सो अभी हमें एक वी एन का ज़रूरत है, यहाँ पर यू एन है, सो यहाँ पर आप वी एन को कुछ ऐसे मान लो, लेट वी एन इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर क्या है ऊपर में, इसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर ऊपर में एन का मैक्सिमम पावर है, एन एन का मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब ऊपर में मैक्सिमम डिग्री एन है, और नीचे क्या अगर हम स्क्वायर को करेंगे तो हमें मिलेगा नीचे मैक्सिमम पावर है इनके ऊपर वो है 2। तो ये चीज़ है, ऊपर में मैक्सिमम एन और नीचे मैक्सिमम एन स्क्वायर हो सकता है, तो इससे अब इसको कैंसिल करके आपको ये मिलेगा 1/n। ओके सो इसको ही हम वी एन यहाँ पर मान लेंगे, सो लेट वी एन इक्वल्स टू 1/n। तो अभी हम इसका लिमिट निकालेंगे, देन लिमिट यू एन बाई वी एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एन से हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर वी एन का वैल्यू है एन, मतलब इससे क्या करेंगे वी एन को, मतलब एन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि n(n+2)/2n+1 स्क्वायर। कैसे हुआ ये, क्योंकि 1/n से हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि वी एन इससे डिवाइड है, अगर 1/n से डिवाइड करना और n से मल्टीप्लाई करना एक ही चीज़ है, तो इस यहाँ पर लिमिट देना है, लिमिट और लिमिट, यहाँ पर लिमिट का मतलब होता है n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर आप ना भी देते हो तो भी कोई बात नहीं, लिमिट और इसको मल्टीप्लाई करके इसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, n² + 2n यहाँ पर और नीचे 2n² इसकी होल स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो 2n² + यहाँ पर 2n, मतलब 4n+2 ये आ रहा है, सो ऊपर नीचे हम n² से सभी को डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर में बचेगा 1+2/n, नीचे बचेगा 2+4/n+2/n² तो अभी अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट यहाँ पर होगा तो ये जो n है ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 2/∞ ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा हाफ जो कि एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। तो हमने लिमिट फॉर्म में देखा कि अगर नॉन जीरो ये डिवीजन, अगर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर हमें मिलेगा तो यू एन और वी एन एक साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा। तो अब देखो यहाँ पर, क्योंकि वी एन हमें पता है ये कौन सा सीरीज है, अगर वी एन 1/n है तो समेशन वी एन जो होता है वो हार्मोनिक सीरीज होता है,
और हमें पता है हार्मोनिक सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होता है। तो फाइनल आंसर अभी हम लिखेंगे यहाँ पर कि सिंस वीएन इज डाइवर्जेंट, वीएन इज डाइवर्जेंट, यूएन इज डाइवर्जेंट, समेशन यूएन इज डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पर एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम है, तो उसको हम एक बार उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसका प्रूफ मैं बाद में कराऊंगा। तो अभी उसका एक स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब देखो कि कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन वन बाई एन पी, ओके। सो इसका जो है कन्वर्जेंस क्या होता है, अगर ये वाला जो इस टाइप का जो सीरीज है जहाँ पर वन बाई एन पी, पी को एक पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, ओके। सो क्या होता है, तो यहाँ पर उसका एक थ्योरम दिया हुआ है, तो उसको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि थ्योरम कुछ ऐसा है कि द सीरीज ये वाला जो सीरीज को हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये ऐसा होगा कि 1/1 की पावर में पी प्लस 1, 2 to the power p प्लस 1/3 टू द पावर पी प्लस सो ऑन। सो ये वाला जो सीरीज यहाँ पर है कॉन्वर्जेस फॉर पी ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस एंड डाइवर्जेस फॉर पी लेसर इक्वल्स टू 1। तो ये कन्वर्ज करेगा अगर पी का वैल्यू 1 से ज्यादा हो, और डाइवर्ज करेगा अगर पी का वैल्यू 1 से कम हो। तो अभी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स। सो ये वाला सीरीज हम लेते हैं पहले ही 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। तो ये वाला जो सीरीज है इसका नाम है हार्मोनिक सीरीज, और यहाँ पर पी का वैल्यू क्या है, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं 1/1 पी को, क्योंकि उसके पावर में जो भी दो 1 ही आता है। तो अब इसको देखो, ये इसके पावर में क्या है, यहाँ पर इस सीरीज के लिए पी का वैल्यू है 1, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पी का वैल्यू अगर 1 से इक्वल होगा या फिर छोटा होगा, तो इस केस में इक्वल है, तो ये क्या होगा, ये जो सीरीज है ये होगा डाइवर्जेंट, ओके। ये 1 नंबर देते हैं। सपोज ये सीरीज को आप समझने की कोशिश करो कि 1 + 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√4 एंड सो ऑन। सो इस केस में पी का वैल्यू 1 था, इस केस में पी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये सभी के सभी रूट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब पी का वैल्यू यहाँ पर है जो वह 1/2। तो इस केस में भी ये 1 से छोटा है पी, तो यहाँ पर ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब एक और केस लेते हैं, ये वाला चीज़ है 1 + 1/2² प्लस 1/3² प्लस डॉट डॉट। तो इस केस में पी का वैल्यू क्या है, पावर में इसका क्या है, देख सकते हो इसको हम कंपेयर करके कि यहाँ पर पी का वैल्यू है 2। तो यहाँ पर दिया गया है कि पी का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगा तो वो कन्वर्ज करेगा, मतलब ये जो सीरीज है ये है कन्वर्जेंट सीरीज। सिमिलरली अगर हम ये सीरीज लेंगे 1/2³ प्लस 1/3³ प्लस डॉट डॉट सो ऑन, तो ये अब इस केस में पी का वैल्यू है 3, सो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ओके। सो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है कि यहाँ पर ऊपर में 1 होगा, नीचे 2 के पावर में, 3 के पावर में, 4 के पावर में एक ही चीज़ होगा,
तो अगर वो पी से ज़्यादा हो तो कन्वर्जेंट, और पी से अगर इक्वल और या फिर छोटा हो तो वो डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो और एक एग्जांपल हम अभी करते हैं, और एक क्वेश्चन। सो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज ऑफ द सीरीज समेशन यू एन, वेयर यू एन का वैल्यू दिया गया है एन टू द पावर 4+1 माइनस एन टू द पावर 4-1। ओके, सो ये है इसका वैल्यू। तो इसका हम करेंगे, तो अब देखो यू एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू दिया गया है ये एन टू द पावर 4+1 माइनस एन टू द पावर 4-1। सो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो रूट, इसको हटाने के लिए हम ऊपर नीच यहाँ पर प्लस दे के इसको कर सकते हैं कैलकुलेशन, मतलब ऐसे इन टू द पावर 4+1 माइनस इन टू द पावर 4-1, और ऊपर नीचे इसकी जो कॉन्जुगेट होता है एक्चुअली, उस कॉन्जुगेट सी से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर प्लस देकर इन टू द पावर 4-1, और यहाँ पर भी इन टू द पावर 4+1 प्लस इन टू द पावर 4-1। सो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी जो रूट है, ये रूट उठ जाएगा। सो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला है। सो ए माइनस बी ए प्लस बी कॉस्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसकी स्क्वायर और माइनस इसकी स्क्वायर इन टू देयर फोर 1+ माइनस ये देयर फोर माइनस, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ओके, इन टू देयर फोर 1 यहाँ पर ज़्यादा आ गया प्लस इन टू देयर फोर 1। सो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई इन टू दिवर 4+1 और यहाँ पर इन टू दिवर 4-1। तो इस केस में भी आप देखो, अगर हम रूट यहाँ पर, क्योंकि रूट है तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है इनका वो है इन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इन टू दिवर 4 के ऊपर क्या है, रूट है। तो हम यहाँ पर वी एन का वैल्यू क्या लेंगे, लेट वी एन इक्वल्स टू 1/n2। ओके, देन लिमिट यू एन बाई वी एन इक्वल्स टू, तो यहाँ पर देखो यू एन बाई वी एन है, तो वी एन का वैल्यू 1/n2। अगर 1/n2 से इसे डिवाइड करेंगे, उसका मतलब होता है कि इन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा लिमिट 2n2 डिवाइडेड बाई ये चीज इन टू दिवर 4+1 प्लस इन टू दिवर 4-1। अब क्या करते हैं, हम ऊपर नीच इन स्क्वायर से सभी को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या होगा इन टू दिवर 4 को अगर हम, क्योंकि ये रूट के अंदर है तो इन स्क्वायर से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका मतलब होता है कि अंदर जाकर ये इन स्क्वायर जो है वो भी इन टू दिवर 4 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इन स्क्वायर है तो रूट के अंदर जाएगा तो ये इन टू दिवर 4 हो जाएगा। तो अंदर ये जो इन टू दिवर 4 और इन टू दिवर 4 है ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1, और यहाँ पर आ गया 1/n4 प्लस 1-1/n4। तो अब अगर हम यहाँ पर अगर अभी इन्फिनिटी लिमिट यहाँ पर डाल देंगे, तो ये वाला जो टर्म है 1/n2, ये टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर तो 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर अगर लिमिट हम यहाँ पर कर देंगे तो 2 यहाँ पर 1+0 प्लस 1-0, तो 2/1+1 इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1। तो ये एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। ओके, सो 1 आ गया इसका वैल्यू। तो अब देखो हम यहाँ पर क्या है, हमने लिया यहाँ पर वी एन का वैल्यू 1/n2। तो अभी हमने जो थियोरम देखा था अभी, तो वहाँ पर अगर ये वाला जो सीरीज होता है 1/np, वो पी को ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है। तो इस केस में ये वाला जो सीरीज हमारे पास है वी एन वाला जो सीरीज है वो क्या सीरीज है, 1/n2। तो
अगर इनका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो ये कन्वर्ज करेगा, तो मतलब इसका मतलब है कि वीएन एक कन्वर्जेंट सीरीज है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि सीन्स समेशन वीएन इज कन्वर्जेंट, समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट, यूएन इज कन्वर्जेंट बाय बाय कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस नहीं, डिवीजन का लिमिट जो है वो एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर हुआ, इसीलिए दोनों एक साथ डाइवर्ज या कन्वर्ज करेगा, और वी एन यहाँ पर जो है कन्वर्ज करता है, तो यू एन को भी क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा। सो यू एन इज कन्वर्जन, और ये हुआ है कंपैरिजन टेस्ट से। सो अभी मैं आपको दो सीरीज को टेस्ट करने के लिए देता हूँ यहाँ पर, जो दो जो हमने एग्जाम्पल अभी किया था उसी के सेम टाइप, एकदम सेम तरीके से आप कर सकते हो वो दो क्वेश्चन। तो आप ये दो क्वेश्चन ज़रूर करना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, होम टास्क। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है टेस्ट द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये सीरीज को आपको टेस्ट करना है, दिया गया है 1/1 × 2² + 1/2 × 3² + 1/3 × 4² एंड सो ऑन। सो ये वाला एक सीरीज है। सेकेंड एक क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, जो है सीरीज यू एन, यू एन वायर यू एन इक्वल्स टू समेशन यू एन है सीरीज, यू एन इक्वल्स टू √(n^4) + 1 −(n²)। एकदम सेम टाइप के दो क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है, उसी तरह आप इसे कर सकते हो, और इन दोनों का ही आंसर जो है वो है कन्वर्जेंट। ओके सो ये भी जो है कन्वर्जेंट होगा। अब इसे जो है अब की जो आंसर आएगा उसको आप एक बार मिला लेना कि दोनों ही जो यहाँ पर कन्वर्जेंट इसका आंसर है। तो नेक्स्ट वीडियोस में और भी टाइप के जो टेस्ट होते हैं उसको हम देखेंगे, तो अब ये दो क्वेश्चन ज़रूर करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगली कोई वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।